हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिका। ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई या सेल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोग सेल में की आकृति और माप कैसी होती है और कार्य क्या है, कोशिका सिद्धांत और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कोशिका और सेल। ठीक है, तो आप लोग जब भी बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो बड़ा ही एक्साइट हुए होंगे आप लोग सेल के बारे में जान करके या कोशिका के बारे में जान करके। ठीक है, जब भी सबसे पहले आप लोगों को पता चला होगा कि क्या होता है, जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे घर का या जो मकान है वह किससे बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। तो चलिए आज हम लोग कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोशिका, कोशिका को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेल। तो जो सेल है या कोशिका है, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक, कौन से साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था सन 1665 में। ठीक है, कब किया था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 में। इन्होंने क्या किया, जो कार्क होता है ना, कार्क की कोशिका को, सॉरी, कार्क को लेकर के उसके छोटे छोटे स्लाइस काटे, कार्क को लेकर के, ठीक है, उसके पतले पतले स्लाइस काटे और उसको सिंपल लेंस की सहायता से देखा। ठीक है, तो कार्क का इन्होंने स्लाइस काटा और स्लाइस काटने के बाद उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सॉरी सूक्ष्मदर्शी नहीं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी, नहीं निर्माण हुआ था, तो सिंपल लेंस, आप लोग देखते हैं ना, एक छोटा सा लेंस होता है इस तरह से, बीच में यहाँ पे लेंस लगा रहता है, ये हैंडल होता है, तो सिंपल लेंस की सहायता से देखा तो उनको इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचनाएं दिखाई दी। ठीक है, कैसी संरचनाएं दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी। ठीक है, तो मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है, मधुमक्खी का घर होता है, तो ये संरचनाएं छोटी थी, इसलिए रॉबर्ट हुक ने इनको क्या कहा, लिटिल रूम कहा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसको क्या कहा, लिटिल रूम कहा, अर्थात छोटा कमरा कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या की, कोशिका की खोज की। लेकिन क्योंकि जो कार्क होता है वहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मृत होती हैं, तो इन्होंने किस कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। ठीक है ना, तो अब एक प्रश्न जरूर उठ जाएगा दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा, सर जीवित कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो इसके लगभग 9 साल बाद, ठीक है, एक साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया 1674 में। ठीक है, 9 साल बाद इन्होंने 1665 में किया, इन्होंने कब किया, 1674 में क्या किया, तालाब के जल को लेकर के, ठीक है, क्या लिया, तालाब के जल को लेकर के स्लाइड पे लिया और स्लाइड पे उसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है, एक बूंद या दो बूंद जल को, और फिर इसके अंदर क्या देखा, इन्होंने सरल प्रकार के जीवों को, प्रोटोजोवंस को देखा। किसको देखा, प्रोटोजोवंस को देखा। ठीक है, जो सरल प्रकार के, एक प्रकार के जीव होते हैं प्रोटोजोवंस, तो इन्होंने सरल प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो तालाब का जल होता है उसमें किसको देखा, प्रोटोजोवंस को देखा, और इस प्रकार जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, किसने किया जीवित कोशिका की खोज, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो इन्होंने तालाब के जल में प्रोटोजोवंस को देखा था। ठीक है, तो जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं
कोशिकाओं की आकृति और माप क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। सभी जीवों का शरीर क्या होता है? कोशिका से ही मिलकर बना होता है या केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है? अगर जीवों का शरीर क्या होता है? एक कोशिका से मिलकर बना है तो उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव, और अगर जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है तो हम उन जीवों को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, कोशिका की अगर हम आकृति माप या संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब हम क्या बात करने वाले हैं, कोशिका की आकृति कैसी होती है, माप कैसी होती है। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए। कोशिका का जो माप होता है वह भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, सामान्यतः जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह कौन सी कोशिका होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका आप लोग जानते हैं, ठीक है, और नहीं जानते तो यहाँ पे जान लीजिए। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी कोशिका होती है? माइकोप्लाज्मा, माइको प्लाज्मा। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा होती है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका जो व्यास होता है वह 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है इसका व्यास। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा को शॉर्ट फॉर्म में PPLO कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? PPLO कहा जाता है, यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फुल फॉर्म इसका क्या होगा? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको PPLO कहते हैं, और यह कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, तो अब ज़रूर दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सबसे छोटी कोशिका यह है तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुना है ऑस्ट्रिच, या जिसको कहते हैं शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह एक कोशिका की संरचना है, और उसका व्यास लगभग 13 से लेकर के 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो चलिए कम से कम ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास? जो कोशिका होती है उसका व्यास होता है 13 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना क्या होता है? एक सुरक्षात्मक आवरण भी होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका का व्यास 13 सेंटीमीटर और सबसे छोटी कोशिका का व्यास 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यह सबसे बड़ी कोशिका है, और इसी प्रकार से सबसे लंबी कोशिका भी होती है। कौन सी कोशिका? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। देखिए, लंबी और बड़ी में अंतर होता है। जब हम लंबी कोशिका की बात करते हैं तो लंबाई मेजर किया जाएगा, लेकिन जब सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम मेजर किया जाता है। ठीक है, आयतन। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, या न्यूरॉन सेल होती है। ठीक है, समझ में आया? सबसे लंबी कोशिका होती है कौन? तंत्रिका कोशिका, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, जो क्या करती है? सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग के पास लेकर जाने का कार्य करती है। तो जिराफ देखा है ना आप लोगों ने? ठीक है, कहीं नहीं तो टीवी में या फोटो में देखा ही होगा, जिराफ की गर्दन बड़ी लंबी लंबी होती है। ठीक है, और उसकी लंबी लंबी गर्दन में लगभग 1.5 से लेकर 2 मीटर तक लंबा कोशिका हो सकती है,
तो उसकी गर्दन में क्या होती है, उसकी ग्रीवा में लगभग 1.5 मीटर लंबी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, अगर हम माप या आकृति की बात करते हैं या कार्य की बात करते हैं तो कोशिकाओं की आकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ भिन्न भिन्न आकृति वाली कोशिकाओं की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसको कहते हैं, इसकी जो आकृति होती है यह उभयावतल होती है। कैसी होती है, उभयावतल होती है, ऐसे दोनों तरफ से क्या होती है, बीच में यह दबी होती है। ठीक है, और ऐसे देखेंगे तो यह वृत्ताकार या गोल दिखाई देगी। इसका व्यास होता है लगभग 8 माइक्रोमीटर। आरबीसी का व्यास कितना होता है, लगभग 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं का भिन्न भिन्न कार्य हो सकता है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, आरबीसी कैसा आकृति है, इसकी उभयावतल है। अब देखिए, जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, पेशी कोशिका होती है, ठीक है, मसल सेल्स होती है या मायोसाइट होती है, इसकी भी भिन्न भिन्न आकृति होती है। आप देखेंगे यहाँ पे कोशिकाएं कैसी होती हैं, ऐसे तर्क रूप हो सकती हैं या बेलनाकार हो सकती हैं। ठीक है, कैसी, तर्क रूप या बेलनाकार हो सकती हैं पेशी कोशिका। तंत्रिका कोशिका की आकृति कैसी होती है, तो मैं यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बना देता हूँ। यह विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसकी संरचना आपने देखा होगा इस तरह से होती है। ठीक है, ये है तंत्रिका कोशिका की संरचना। ठीक है, किसकी संरचना है, तंत्रिका कोशिका की संरचना है, जो क्या करती है, सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है, न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिका। आप देख रहे हैं आकृति कितनी भिन्न है। अगर हम बात करते हैं वसा कोशिका, कौन सी कोशिका, वसा कोशिका। ठीक है, तो वसा कोशिका आपको देखने में रिंग के जैसी या अंगूठी के जैसी लगती है, क्योंकि इसका जो केंद्रक होता है एक तरफ होता है और बीच में क्या होता है, यहाँ पे वसा का संचय होता है। तो यह क्या होती है, वसा कोशिका, इस तरह से रिंग के जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। और त्वचा में उपस्थित जो उपकला होती है, उपकला की कोशिकाएँ कैसी होती हैं, आप सामान्यतः देखते हैं उपकला की कोशिकाएँ चपटी होती हैं। उपकला की कोशिकाएँ कैसी होती हैं, इस प्रकार से चपटी को चपटी कोशिकाएं होती हैं या क्यूबॉइडल हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं, क्यूबॉइडल, ऐसे क्यूब के जैसी कोशिकाएं हो सकती हैं, या फिर कॉलमनर, ऐसे कॉलम के जैसी कोशिका हो सकती है। ठीक है, ऐसे कॉलमनर सेल्स कोशिका इस तरह से होती है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की क्या होती है, भिन्न भिन्न आकृति होती है और ये कोशिकाएं अपना अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो कोशिका की आकृति कोई निश्चित नहीं है, इसका क्या होता है, आकृति भिन्न होती है। आप लोगों ने देखा है जो अंडाणु होता है, एग सेल होता है, यह कैसा होता है, ऐसे गोल होता है, तो इसका आकृति कैसा हो गया, गोल हो गया। और अगर आप इस ह्यूमन स्पर्म की बात करते हैं तो इस तरह से टैडपोल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से ये अलग संरचना हो गया स्पर्म या शुक्राणु की। तो यह भी एक कोशिका की संरचना होती है। तो कोशिकाओं की आकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, और इसका माप क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, और कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक है, समझ में आया ना, कोशिका सिद्धांत। चलिए तो इसको रफ कर दिया जाए, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, देखिए कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को सेल थ्योरी कहा जाता है, सेल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया, स्लाइडेन तथा स्वान ने,
स्लाइडेन, ठीक है, और स्वान, ठीक है। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया या कोशिका सिद्धांत बतलाया या दिया। तो इन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिए, इन्होंने कहा कि जो कोशिका होती है वह जीवन की आधारभूत इकाई होती है। क्या होती है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है, आधारभूत इकाई है, ठीक है। कोशिका क्या होती है, जीवन की आधारभूत इकाई होती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पे कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें कोशिका ना हो, ठीक है। अर्थात कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि कोशिका में ही जीवन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कोशिका क्या होती है, जीवन की आधारभूत इकाई होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक जटिल प्राणी, एक जीवित जटिल प्राणी क्या करता है, कार्य करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, पोषण करता है, प्रजनन करता है, ठीक है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं करता है जटिल प्राणी, मान लीजिए मनुष्य, ठीक है। तो उसी प्रकार से केवल एक सरल प्रकार की कोशिका भी क्या करती है, सभी कार्य करती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ठीक है। ये सभी प्रक्रियाएं क्या करती है, एक कोशिका करती है। तो इसीलिए कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई, या फिर क्या कहते हैं, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है, जीवन की आधारभूत इकाई होती है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी कोशिका, सभी जीवों का शरीर क्या होता है, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। क्या, सभी जीव कोशिका या कोशिका के उत्पाद, सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। तो सभी जीव किससे बने हैं, कोशिका या कोशिका उत्पाद से। तो कोशिका तो आपको समझ में आ रहा है, कोशिका उत्पाद क्या होता है, ये देखिए। तो कोशिका मिलकर के क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। कोशिका से क्या बनता है, कोशिका जब आपस में मिलती हैं तो बना देती हैं ऊतक, और जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं अंग, और अंग आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अंगतंत्र बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, अंगतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जिनमें केवल कोशिका पाई जाए, सरल प्रकार के कोशिकीय जीव होंगे। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ऊतक पाया जाता है, अंग नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें अंगतंत्र का स्तर, अंग का स्तर होता है, और कुछ ऐसे जटिल प्राणी होते हैं जिसमें अंगतंत्र स्तर का ऑर्गेनाइजेशन होता है या संगठन होता है, ठीक है। तो ये कोशिका है, और ये ऊतक, अंग और अंगतंत्र क्या है, कोशिका के उत्पाद होते हैं। तो इसीलिए सभी जीव क्या होते हैं, कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं, ठीक है, समझ में। और जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं तो उन्हें कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका से बनने वाले जीव को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं, और एक से अधिक कोशिका से बनने वाले जीव को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है, समझ में। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट देखिए, लेकिन इन्होंने, ये दो वैज्ञानिक जो स्लाइडेन और स्वान थे, इन्होंने यह नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है। तो इन दोनों के बाद एक साइंटिस्ट आए, रुडॉल्फ वर्चो, रुडॉल्फ वर्चो, ठीक है। तो रुडॉल्फ वर्चो ने यह बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से ही होता है, ठीक है। नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, पहले से उपस्थित कोशिका, अर्थात पूर्ववर्ती कोशिका, कौन सी कोशिका,
पूर्ववर्ती कोशिका ही क्या करती है, नई कोशिका का निर्माण करती है। पूर्ववर्ती कोशिका क्या करती है, नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब यह जो वाक्य है, यह जो सेंटेंस है, इसमें ऐड कर दिया गया तीसरा सेंटेंस कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, स्वतः ही कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता। अगर पहले से कोई कोशिका है तभी वह क्या करती है, नई कोशिका का निर्माण करती है। कैसे, कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन सी कोशिका, पहले से स्थित कोशिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में ओमनी सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मीन्स पूर्ववर्ती कोशिका क्या करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था कोशिका सिद्धांत, जिसमें जिसका प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन और स्वान ने, और बाद में रुडॉल्फ वर्चो ने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। ठीक है, ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रो कैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में लिखेंगे, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है, यह किस आधार पर बताई गई हैं। तो केंद्रक की उपस्थिति के आधार पे हम बताते हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, या आप कह सकते हैं केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यहाँ पर क्या होता है, एक विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है, विकसित केंद्रक होता है इसमें। ठीक है, समझ गए, विकसित केंद्रक होता है। अगला क्या अंतर होगा, अगर हम माप की बात करते हैं कि ये कितनी बड़ी होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर की होती हैं। ठीक है, इनका व्यास सामान्यतः कितना होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं का व्यास या माप 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर व्यास होता है, या इनका माप होता है। ठीक है, तो ये इनके आकृति में या माप में क्या है, अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, क्या चीज़, कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान से। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान से बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। कोशिका भित्ति पेप्टाइडो ग्लाइकॉन से बनी होती है, अर्थात इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों संरचनाएं होती हैं। ठीक है, पेप्टाइडो का मतलब यहाँ से पेप्टाइड या प्रोटीन से संबंधित है, ग्लाइकॉन का संबंध किससे है, कार्बोहाइड्रेट से है। लेकिन यहाँ पे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यहाँ पे अगर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोशिका भित्ति ना पाई जाए, क्योंकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पौधों में पाई जाती है। तो पौधों की कोशिका में जब अगर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, तो जो कोशिका भित्ति है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यहाँ पे सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, या फिर
जो कवक होते हैं वो अलग ग्रुप है वहाँ पे काइटिन से, तो यहाँ पे किससे बनी होती है, सेलुलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है कोशिका में या डीएनए में, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है या गुणसूत्र होता है, ठीक है, डीएनए को ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए या गुणसूत्र होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक होता है, और वह भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, ये कोशिका है और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक वृत्ताकार डीएनए इस तरह से होता है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे हमेशा जो गुणसूत्र होता है वह एक से अधिक होता है, एक से ज़्यादा पाया जाएगा, और यह कैसा होता है, रेखीय होता है। रेखीय होने का मतलब यह है कि इसमें, इस गुणसूत्र में दो सिरे होंगे, एक सिरा यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ पर, तो दो सिरे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वृत्ताकार होता है इसमें दो सिरे नहीं मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक में एक और वृत्ताकार, और यूकैरियोटिक में क्या होगा, एक से अधिक और रेखीय गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। सामान्यतः यह जीवाणुओं में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन इस एक ऐसी कोशिका है जिसमें क्या होता है, प्लाज्मिड पाया जा सकता है या पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए छोटा होता है, इसको पैक करने के लिए किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। हिस्टोन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है या पाया जाता है, जो क्या करता है, डीएनए को पैक करके गुणसूत्र में बदल देता है, गुणसूत्र की संरचना बना देता है। तो इसके लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, ये प्रमुख अंतर है, और आप देख सकते हैं कितने अंतर हो गए, पाँच अंतर हो गए। अगला अंतर देखिए, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए ऐसे यह कोशिका है, इसकी जो कोशिका कला होती है यह अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर के क्या बनाती है, मध्यकाय बनाती है, या मीजोसोम इसको कहते हैं, मध्यकाय, मीजोसोम। यह माइटोकांड्रिया की तरह कार्य करता है, श्वसन में भाग लेता है और एटीपी का निर्माण करता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, मध्यकाय पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया होता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे मध्यकाय पाया जाएगा, यहाँ पे माइटोकांड्रिया, दोनों का कार्य क्या होगा, समान होगा, दोनों श्वसन क्रिया में भाग लेंगे और एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो एक और अंतर मैं बता देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो इनका जो डीएनए होता है, तो डीएनए के बीच बीच में यहाँ पे एग्जॉन और इंट्रॉन नहीं पाया जाता, यह क्या होता है, यहाँ पे केवल एग्जॉन पाया जाता है, केवल सक्रिय डीएनए पाया जाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बीच में इंट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच बीच में ये डीएनए देखिए कैसा है, सीधा है, इसमें एग्जॉन है, सक्रिय डीएनए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जॉन है, यहाँ पे एग्जॉन है, इसके बीच में यह क्या है, इंट्रॉन होता है। क्या होता है, यह इंट्रॉन होता है, और यह क्या है, एग्जॉन है, यह क्या है, एग्जॉन। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, इंट्रॉन पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, एग्जॉन, और जो डीएनए है, डीएनए में इंट्रॉन और एग्जॉन दोनों पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है इसमें केवल एग्जॉन पाया जाता है।
ठीक है। तो ये जो इंट्रॉन होता है यह निष्क्रिय डीएनए होता है, यह अनुलेखन नहीं करता, प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है ना। एग्जाम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर भी जो एग्जाम है वह प्रोटीन बनाएगा आगे मैसेंजर आरएनए बनने के बाद। तो ये अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे जो भी सेल से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स, यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसे होगी, माइटोकांड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, गॉल्गी बॉडी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो कोशिका कला होती है, कोशिका कला की संरचना को भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।